देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ में 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उपवर्गीकरण किया जा सकता है, यानी एससी एसटी को मिल रही आरक्षण कोटे के अंदर कोटा लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2004 में दिए गए 5 जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। उस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी कैटेगरी के तहत उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक समरूप वर्ग है। अनुसूचित जनजाति और जाति के उपवर्गीकरण को हरी झंडी देते समय संविधान पीठ के 7 जजों में से 4 ने इस वर्ग के तहत भी क्रीमी लेयर की वकालत की ओर कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, यानी इस कैटेगरी में जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दलित जज जस्टिस बी आर गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को एसीसी और एएसटी कैटेगरी वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करना और उन्हें आरक्षण लाभ के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। कैटेगरी के बीच सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रम नाथ ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी पर भी लागू होना चाहिए। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी को ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च पद पर पहुंच जाता है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। चौथे जज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि वो जस्टिस गवई के इस विचार से बिल्कुल सहमत है कि एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। बता दें कि मौजूद समय में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए है, जबकि नियमानुसार जिन लोगों के परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाते हैं और उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इससे कम आय वाले लोग नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं और इन्हें उसका प्रमाण सौंपना पड़ता है, तभी आरक्षण का लाभ मिल जाता है। 7 जजों की संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज झा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। 6 जजों ने उपवर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि राज्यों की सकारात्मकता कार्यवाही संविधान के दायरे के भीतर ही होनी चाहिए। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।